बिना पंखे काम नहीं चलता। देखो पसीने, बाहर घूम रहा था, बस साइकिल चला रहा था, इसलिए आ रहे पसीने, है ना। बाहर आने तो जी रात के बज गए, शाम के मतलब 7:30। और मेरे को ये समझ नहीं आता इसका, ये घंटा अपने आप ये नीचे वाला घूमता कर कैसे रहता है, मतलब कभी नहीं रुकता, ये दिन रात चलता रहता है, ये थकता भी नहीं, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। और पापा लाए हैं हमारे लिए लड्डू, लड्डू और ये दो केले खराब, ये है ना थैली में रह के हो गए। तो जी शर्मा जी अभी पहुंचे हैं और इनका आजकल एकदम बिजी शेड्यूल रहता है, ये ऐसे ही रहते हैं। कल का भी इनका ऐसे ही रहेगा, कल भी भागम भाग रहेंगे, परसों भी ऐसे ही रहेंगे, फिर सावा करवा ले रखा है एक, वो सावा करवाएंगे तो वो सावे में भी ऐसे रहेंगे। पैसे की जेब भर रखिए साहब, माने दे दो कि मैं दे दो ना, देखो मेरे यार शिवांश ने बोल दिया पहले ये शिवांश का ही नहीं। अरे शिवांश इतना ही मांगा, सही निकला इधर मम्मी का ले, सस्ते दे दो पापा यो के मम्मी का दे के करूंगी ना 10 रुपया को बताओ ना, नहीं अकेले रख क्या, ये सुबह गाय को खिला देंगे, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, वो बेचारी भी वेट करती है। तो जी घना को नहीं है रुपया भाई, नू मत सोचियो, ये बस 10-10, 20-20 का है, दस गणा दी बहुत है, लोग 10 रुपया दे के आशीर्वाद ली दो खाए पगा में, नहीं वो ब्राह्मण ऐसी तो चीज है, 10 रुपये के अंदर आशीर्वाद देता, आयुष्मान हुआ है, अखंड सौभाग्यवती हुआ है, कीर्तिमान हुआ है, यशस्वीमान हुआ है, तो देना भी चाहिए है ना। और मैं क्या कह रही थी, देखो वो का बोलते हो ना आप, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। हाँ बस यही धारणा है अपनी, तो अब पानी देखो वो रखा साइड में, अपनी तो यही सोच है कि भगवान इतना दो कि बस कुटुंब का पेट भर जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर पे कोई आए तो वो भी भूखा ना जाए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए भाई। क्या करेंगे इस जमीन जायदाद का दौलत का, सब यही रह जानी है, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल गया, सर पे छत मिल गई, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। पता नहीं कई लोग जो होते ना वो ऐसे पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं, क्या ही बताऊं आप लोगों, हैं जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं, मतलब न नहाने की शुद्ध उनको, न कपड़े पहनने की शुद्ध कोई मतलब नहीं, कपड़े नहाने से मतलब ये है कपड़े पुराने पहन लो, घिसे पिटे पहन लो, लेकिन धुले हुए पहने आदमी, और टाइम पे नहाए धोए पूजा पाठ करे, अपना सुकून से जिए, अपने वो होता ना कि रिश्तों में मिठास बना के रखे, क्या रखा है पैसे का, यही रह जाएंगे सब कुछ धन दौलत, ठीक है। और ये मेरा पिंपल देखो इतना ऊपर आ गया है ना साहब, यही रह जानी है ना धन दौलत, कोई काम नहीं आनी है प्रॉपर्टी, बाड़े की मौज करेगा तो बालका ने सिर्फ शबल बनाने पे विश्वास दे आदमी, मतलब अगर इंसान अपनी एक औलाद को भी कामयाब कर लेते है ना सही तरीके से, तो उसका कुल जो है ना कुल, मैं ये नहीं कहूंगी बाकी सबका, उसके कुल का नाश होने से बच जाता है अगर एक इंसान एक औलाद को भी सही तरीके के संस्कार दे देता है। अगर उसने अपने बच्चों को ढंग के संस्कार ना दिया, सिर्फ पढ़ाने पे और कामयाब करने पे फोकस रखा, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, संस्कार देना मेन है, तो सारी चीजें धन दौलत यही रह जानी है, मेन अपने बच्चों को संस्कार देना, एक शिक्षा जो है ना वह जरूरी है, लेकिन शिक्षा से ज्यादा संस्कार जरूरी है ना साहब, बिल्कुल जी साहब, तो बस संस्कार नहीं पापा, ये मुझे तब दे दे रहे, शिक्षा विहीन संस्कारों से ओतप्रेत इंसान हर जगह अपना नाम रोशन करता है, हर जगह इज्जत पाता है। हाँ। और संस्कार विहीन शिक्षा से ओतप्रेत इंसान हर जगह अपमान ही पाता है, अपमान ही पाता है, तो शिक्षा के साथ में संस्कार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक चीज, संस्कार नहीं है तो पढ़ा लिखा इंसान भी मूर्ख की गिनती में आएगा, मूर्ख की गिनती में आता है। और ये मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा था थोड़ी देर पहले, आप लोग बता ना इस बात से एग्री करते हो क्या, कि अगर एक औलाद भी अपनी, मैं क्या कह रही थी कि अगर एक औलाद भी अपने इंसान सही तरीके के संस्कार देके कामयाब कर लेता है ना,
तो उसका कुल का नाश होने से बच जाता है, क्योंकि एक इंसान तो समझदार होता है ना। अब यहाँ पे एक चीज और कहूं, पता है क्या होता है कि माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी में इज्जत कमाते हैं, अगर वो संस्कार सही तरीके से ना दे पाए ना, बच्चों की छोटी छोटी बातों के वो होते हैं ना, नोटिस करनी जरूरी है, उनको संस्कार देना जरूरी है। तो अगर संस्कार सही ना हो ना, तो पूरी जिंदगी में जो माँ बाप ने इज्जत कमाई है ना, वो माँ बाप के बुढ़ापे में वो औलाद सेकंडों में धराशाई कर देती है, सेकंडों के हिसाब से, है ना साहब, सारी ऐसी तैसी कर दे मिनटा में, और कहेंगी सुना नहीं, क्योंकि माँ बाप तो हो जाते हैं बूढ़े, अब उनकी तो चलती नहीं होती, और उस टाइम पर फिर वो औलाद क्या करती है, वो मनमानी करती है, मनमानी करती है तो क्या होता है, इज्जत की धज्जियाँ उड़ती हैं। पैसे का क्या है, पैसा कमाया जा सकता है, कभी भी कमाया जा सकता है, पैसा जीने के लिए चाहिए, पैसे के लिए जिंदगी दाव पे नहीं लगानी चाहिए, है ना। चलो आज ज्ञान बहुत हो गया, मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान देने लगी, और इस चीज़ को मैं ही कह रही हूँ भाई, सीरियसली मत लेना, बस मैंने ये कहा है, जो बात मैं मेरे मन में जो विचार थे वो मैंने व्यक्त किए, अब आप लोग अपने व्यक्त करना कि आप लोग इस चीज़ को कैसे समझते जो मैंने बताया। और ये मेरी ऑडियंस जो है ना, ये ज़रूर मेरे को पता है कि इस मामले में अपनी राय देगी, ठीक है। तो चलो जी अब करते हैं बाय बाय, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का ले लिया, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो शर्मा जी के चैनल पर आएगा।